आज हम लोग देखेंगे क्लास 4 मैथ्स एंड मैथ्स का एक न्यू चैप्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको एचसीएफ हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग को इस चैप्टर में तीन मैथड पढ़ना है फैक्टराइज करने के लिए, मतलब प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को तीन मैथड पढ़ना है। ये पहला मैथड है। तो पहला मैथड में हम लोग को एचसीएफ निकालना है 18 और 24 का। चलिए निकालते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे। इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, बस जैसे हम लोग चैप्टर 8 में देखे थे कि हम लोग इसका फैक्टर लिख लेते हैं, उसी तरह हम लोग को पहले सबका फैक्टर लिख लेना है। तो 18 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 नहीं, 18 किसके किसके टेबल में आता है ये हम लोग को लिखना है। 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, 6 में आता है, 9 में आता है और फिर लास्ट 18 में आता है। उसी तरह 18 का जैसे लिख लिए, उसी तरह 24 का लिख लेंगे। 24 किस में आता है? 2 में आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, उसके बाद किस में आता है देखिए, 7 में नहीं आता है, 8 में आता है, 9 में फिर नहीं आता है, उसके बाद लास्ट डायरेक्ट 24 में ही आता है। तो हम लोग को देखना है कि इसमें कॉमन क्या क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन है हम लोग का 2, जो जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग सर्कल कर देते हैं, 3 और 6 कॉमन है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग therefore HCF is equal to, पहले कॉमन जो है वो लिख देते हैं 2, 3 और 6। हम लोग को देखना है कि इसमें से इस तीनों में हम लोग का हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट क्या हम लोग का? सबसे 6 है, तो जो सबसे हाईएस्ट है वही हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। इसमें हम लोग का सबसे हाईएस्ट क्या है? 6। तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो गया? 6। एचसीएफ इज इक्वल टू 6 रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हम लोग का मेथड 1। इसी तरह हम लोग देखेंगे मेथड 2 और मेथड 3। चलिए तो हम लोग देखते हैं मेथड 2। हम लोग मेथड में 1 में देखे हम लोग जैसे चैप्टर 8 में फैक्टर्स निकाले थे, उसी तरह से हम लोग मेथड 1 में हम लोगों ने फैक्टर्स निकाला। अब चलिए देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 में क्या दिया है? प्राइम फैक्टर मेथड। हम लोग को प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना है 18 और 20 का। प्राइम फैक्टर मेथड कैसे निकाला जाता है? हम लोग इसमें कैसे क्या करेंगे एचसीएफ निकालना है? तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे 18 और यहाँ लिख लेंगे 24। देखिए हम लोग चैप्टर 8 में देखे थे फैक्टर ट्री मेथड। हम लोग जैसे फैक्टर ट्री मेथड बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से हम लोग को ये प्राइम फैक्टर मेथड ही बताना है। बस उसमें हम लोग ट्री बनाते थे, ऐसा ऐसा शेप बनाते थे। इसमें हम लोग को क्या करना है? सीधा लाइन पार के ऐसे बनाना है, ठीक है। हम लोग कैसे फैक्टर ट्री मेथड में हम लोग देखे थे ऐसे करके बनाते थे, ऐसे नहीं बना के हम लोग को इस तरह से करना है। सेम फैक्टर ट्री मेथड का ही रूल इसमें भी लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग को क्या लेना है? 18 का पहले देखना है। तो सब 18 का सबसे छोटा फैक्टर, अभी हम लोगों ने मेथड में क्या देखा, सबसे छोटा फैक्टर क्या था 18 का? 2 था। तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? 9 बार में आता है। यहाँ क्या लिखेंगे? 9। अब 9 को 2 से अब हम लोग को डिवाइड करके देखना है। अब 9 देखिए ना, 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3। 3 के टेबल में कितने बार में 9 आता है? 3 बार में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। देखिए जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं वो यहाँ पे कितने बार में उस टेबल में आया? 9 बार में आया, तो वो यहाँ पे। अब 9 को देखना है, 2 से तो 9 नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा। तो यहाँ हम लोग 3 लिखिए। 3 के टेबल में कितने बार में 9 आता है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब फिर यहाँ लाइन देंगे और देखेंगे कि 3 के 3 किसके कटेगा? 3 तो खुद से अब कटेगा, कोई और टेबल में तो आएगा नहीं। 3 से छोटा 2 होता है, 2 के टेबल में आएगा 3? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3 तो 4 में भी नहीं आने वाला है, 3 में ही आएगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे?
बार में तो यहाँ लिखे 1। अब यहाँ देखिए 24। हम लोग इसके पहले वाले में क्या लिखे थे, 24 का सबसे छोटा फैक्टर क्या था, 2 था। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, 2। अब 2 से देखिए तो 24 कितने बार में डिवाइड होगा। अगर आप लोग सिंपल नहीं कर पाते हैं तो आप लोग यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए, 24 को डिवाइड कीजिए 2 से। डिवाइड कीजिए तो कितना बार में कटेगा, देखो 2 अंतर 2 आया, ये हो गया 0, यह बच गया 4, 2 2 जा 4, 4 4 कट गया, क्या हम लोग का बचा 12। तो यहाँ पे क्या आएगा 12। अब 2 के टेबल 12 2 से डिवाइड होगा, देखिए तो 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, कितने बार में, 6 बार में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 कितने बार में आया, 6 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब 6 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आया, 3 बार में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3। अब 3 तो 3 तो 2 के टेबल में आएगा नहीं, तो 2 के आगे क्या है, 3। तो 3 से डिवाइड करते हो 3, 3 के टेबल में आता है 3 1 बार में, यहाँ लिखे 3 कितने बार में आया, 1 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 1, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हो गया अब हम लोग का HCF, नहीं ये तो हुआ HCF, अभी हम लोग का नहीं निकला है। हम लोग कैसे पहले लिए थे, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 18 इज इक्वल टू, देखिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है, पहले यहाँ पे 18 और 24 के इक्वल लिखेंगे। 18 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखाएगा, जो यहाँ पे हम लोग लिखे है 2 × 3 × 3 × 1, जो यहाँ पे रहता है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ लिखने के बाद हम लोग कॉमन लेंगे दोनों में, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 3 × 3 × 1, और 24 का क्या क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 1। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 1। अब देखिए सब कॉमन क्या है, जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग सर्कल कर देते हैं। कॉमन क्या है इसमें, एक 2 इसमें है, एक 2 इसमें है, 3 यहाँ है, एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें भी है। अब दूसरा 3 इसमें भी, एक और 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है 2 नहीं है, 1 है तो 1 हो गया। तो कॉमन हम लोग लिख लिए 2, 3 और 1 कॉमन आया हम लोग का। तो अब हम लोग का therefore HCF is equal to, हम लोग HCF हम लोग का क्या हो जाएगा, इसके पहले वाले मेथड में हम लोग देखे थे कि जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो हम लोग का HCF हो जाता है, लेकिन इसमें हम लोग देखें जो जो कॉमन आया वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कॉमन क्या है हम लोग का, दोनों में एक 2 आया और एक 3 आया, 2 और 3 क्या हो गया हम लोग का, कॉमन हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे इंटू लिखा साइन है, तो 2 × 3 क्या होता है, 2 × 3 = 6, तो हम लोग का क्या आ गया, 6। इसके पहले मेथड में भी हम लोगों ने किसका निकाला था, 18 और 24 का ही HCF निकाला था, वो हम लोगों ने दूसरे मेथड से बनाया था, उसमें सबसे हाईएस्ट था 6, तो वो हम लोग का आ गया था HCF। ये है दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड का यूज किए, जैसे ट्री मेथड देखे थे हम लोगों ने चैप्टर 8 में, सेम उसी तरह से हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड निकालते हैं, और जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेके हम लोग जो कॉमन आता है उसको सर्कल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 3 = 6। हम लोग का जो आंसर आ गया, यही था हम लोग का आंसर। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं तीसरे मेथड की, और तीसरा मेथड क्या है हम लोग ये देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे का मेथड, मेथड 3 डिवीजन मेथड। हम लोगों ने मेथड 1 में देखा कि जो सबसे हाईएस्ट आया वो हम लोग का HCF हो गया, दूसरे में हम लोगों ने दो डिजिट दिया था अलग अलग करके उनको डिवाइड किया, उस जो कॉमन आया उसको इंटू किए, वो हो गया हम लोग का HCF। अब हम लोग का मेथड 3 में क्या दिया है, डिवीजन मेथड। अब हम लोग डिवाइड करके निकालेंगे कि HCF कैसे आता है। तो हम लोग को डिवाइड कैसे करना है, जो बड़ा डिजिट होता है उसको हम लोग छोटे डिजिट से डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं, जो बड़ा डिजिट होता है उसको छोटे छोटे डिजिट से डिवाइड देते हैं। तो सब बड़ा डिजिट क्या है, पहले हम लोग 30 लिख लिए, यहाँ पे हम लोग को इसको डिवाइड देना है, डिवाइड देंगे 18 से। देखिए हम लोग को पहले डिवाइड देना है, ठीक है,
डिवाइड देने के बाद जो हम लोग का रिमाइंडर बचेगा लास्ट में वो हम लोग का डिवीजर बन जाएगा, और जो यहाँ पे था डिवीजर वो हम लोग का डिविडेंड में बदल जाएगा। पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैंने इसको 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 4, ये हो गया 0। इसमें डिवीजर डिविडेंड कोशेंट रिमाइंडर क्या होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। जो यहाँ से जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं वो हो जाता है हम लोग का डिवीजर। यहाँ पे 2 क्या है? डिवीजर। जो डिवाइड हुआ, जिसको हम लोगों ने डिवीजर से डिवाइड किया वो होता है हम लोग का डिविडेंड। यहाँ पे 4 हो गया डिविडेंड। और 2 के टेबल में 4 कितने आ गया? 2 बार में। जो यहाँ पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। और जो लास्ट में बच जाता है, 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, इनफिनाइट कोई भी डिजिट यहाँ बच जाए वो हम लोग का कहलाएगा रिमाइंडर। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब आगे अपना क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप लोग ये नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं पॉज करके वीडियो। हम लोग अपना ये डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करना था? डिविजन मेथड से एचसीएफ निकालना। हम लोग ये क्वेश्चन है, हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले 18 को 30 से डिवाइड करेंगे, 18 से 2 30 से बड़ा डिजिट आ जाएगा, तो हम लोग 18 देंगे। यहाँ पे कैरी हुआ, ये बन गया 10, 10 माइनस 8 बचेगा 2, 3 बन गया 2, 2 माइनस 2 माइनस 1 2, यहाँ पे क्या बच गया 22। नहीं, कुछ तो गड़बड़ी हुआ, सॉरी। यहाँ पे हम लोग 18 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 2 बचा, 3 बन गया 2 ना, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। बोलिए ना टीचर ही पागल है, गलत फ्रैक्शन करती है। यहाँ पे 2 बन गया तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 रिमाइंडर हो गया। तो देखिए ये हो गया हम लोग का डिविजन, ये था डिविडेंड, ये कोएफिशिएंट और ये रिमाइंडर। अब जो हम लोग का रिमाइंडर बचा ना, रिमाइंडर वो बन जाएगा डिविजन, और जो यहाँ पे डिविजन था पहले वो बन जाएगा हम लोग का डिविडेंड। तो देखिए आगे देखते हैं, यहाँ इसी में इसको मैं इरेज कर दूं, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। जो यहाँ पे बचा, जो यहाँ पे बचा, इसको लगातार करके मैं दिखा देती हूँ आप लोग को कि 18 से 30 को डिवाइड दिए 1 बार में, 18 हुआ, यहाँ बच गया 12 रिमाइंडर। जो 12 रिमाइंडर बचा वो बन गया हम लोग का डिविजर, उसको बना दिया हम लोग डिविजर, और जो यहाँ डिविजर था उसको हम लोग बना देंगे यहाँ डिविडेंड। अब देखिए तो 12 से 18 डिवाइड होगा, 12 टू जाए तो 24 हो जाता है, तो 1 बार हम लोग लिख देंगे 12, 8 माइनस 2 6, 1 1 0। अब जो 6 बचा, 6 जो सबसे छोटा जो रिमाइंडर बचा वो वापस से क्या बच जाएगा? डिविजर। यहाँ जो डिविजर था वो हो जाएगा डिविडेंड, और यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा फिर? कोसेंट। 6 के टेबल में 12 आता है, 2 बार में यहाँ 2 लिखेंगे, 12 पूरा पूरी डिवाइड हो गया, नीचे आ गया हम लोग का 0। हम लोग को डिवाइड तभी तक करना है जब तक हम लोग का रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लोग का हो गया ये पूरा डिविजन कंप्लीट। अब एचसीएफ इसमें से क्या हो जाएगा? हम लोग को तो एचसीएफ निकालना था, मैंने तो यहाँ पे डिवाइड किया, तब हम लोग को देखना एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ जो सब जो लास्ट में जो डिजिट से हम लोग का डिवाइड किए रिमाइंडर जो बच गया वही हम लोग का हो जाता है एचसीएफ। यहाँ पे लास्ट डिजिट बच गया 6, तो एचसीएफ हो गया हम लोग का 6। जो लास्ट में बच जाए वही हम लोग का होता है एचसीएफ, जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच जाए 0 वो कहलाएगा हम लोग का एचसीएफ। तो आई होप आप लोग को ये सारे तीनों मेथड समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, आगे हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो
तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स होता क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग फैक्टर कैसे निकालते, तीन मेथड देखा फैक्टर निकालने का। अब हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम नंबर्स का पहले मैं डिफाइन लिख दूं कि डिफाइन क्या होता है। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज वन। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी दो नंबर तभी को प्राइम कहलाएगा जब उसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ क्या आए, वन आए। तो देखिए को प्राइम क्या होता है, कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ वन आए उसको हम लोग कहते हैं को प्राइम। देखिए इसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं कि को प्राइम का एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग दो लेते हैं, हम लोग को एचसीएफ निकालना है 15 और 22 का। तो ठीक है 15 का निकालते हैं, हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा 3 5 15 और 5 1 5 और 22 का निकालते हैं 2 1 2 2 1 2 11 1 11। तो हम लोग का 15 का आ गया 3 5 1 22 का आ गया 2 11 1। देखिए अब इसमें कॉमन क्या है, हम लोग को कॉमन लेना था, कॉमन क्या है 1। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया को प्राइम नंबर। हम लोग का यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया 1। तो हम लोग का डिफाइन क्या था, कोई भी ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 आ जाए वो होता है को प्राइम नंबर। तो हम लोग का इसमें क्या आ गया एचसीएफ 1 आया, तो ये है को प्राइम नंबर। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टराइजेशन का तीन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कि हम लोग एक्सरसाइज जो हम लोग का दिया वो हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा, समझ में आया।